हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पक रही चुनावी गठबंधन की खीर। एनडीए व विपक्ष से मोल भाव कर 2024 का मंच सजा रहे हैं जयंत चौधरी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन का गणित नया आकार ले रहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हाईवे पर खड़ा राष्ट्रीय लोकदल मजबूत गठबंधन पर सवारी करेगा। वहीं भाजपा के खेमे ने बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने का सिगुफा छोड़ जयंत चौधरी पर दबाव बनाने का दांव चला है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबाव का दंगल सजा हुआ है, जिसमें हर दल चुनावी मोल भाव के नए दांव पे चल रहा है। इसका असर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कागजों पर गठबंधनों के पिरामिड बनाए और गिराए जा रहे हैं। भाजपा की घेरेबंदी के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक सुर में बोल रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत ने नई तान छेड़ दी है। वह विपक्ष के तीन सबसे बड़े जमावड़े में से दो से बाहर रहे, जिसके बड़े राजनीतिक अर्थ हैं। सैद्धांतिक रूप से जयंत विपक्ष का पटका पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर वह मोदी की अगुवाई वाली एनडीए से भी ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इस बीच छोटे चौधरी ने मजबूत चुनावी रिटर्न लेने के लिए विपक्ष पर दबाव बनाते हुए 14 सीटों की मांग कर दी है, जिसकी बात बिगड़ते ही एनडीए की डगर खुल जाएगी। इसे भाजपा पर भी दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। दोस्तों, बेशक यहाँ कम सीटें मिलेंगी, लेकिन जीत के लड्डू से लेकर सत्ता की खीर तक खाने की संभावना ज़्यादा होगी। जयंत चौधरी एनडीए और विपक्ष दोनों को एक साथ संदेश दे रहे हैं। वह मुंबई में विपक्ष की बैठक में शामिल होने की हामी भर चुके हैं। वहीं हाल में दिल्ली से बाबिल के दौरान बोटिक में राज्यसभा से अनुपस्थित रहकर एनडीए से भी समीकरण बेहतर रखा। साफ है कि छोटे चौधरी एनडीए व विपक्ष दोनों पर दबाव बनाने की रणनीति पर चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।